नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन का अकाउंट कैसे क्रिएट करें। ब्लॉकचेन बिटकॉइन का अकाउंट, अगर आप बिटकॉइन के साथ जुड़कर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बिटकॉइन जो कि एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, 2009 में स्टार्ट हुआ था 6 रुपये से लेकर के, और आज इसका रेट 4 लाख रुपये तक जा चुका है, यानी कि $6,000 तक पहुँच चुका है। तो आप बिटकॉइन से कैसे जुड़ें और अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करें घर बैठकर, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो कृपया करके आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है blockchain.info, ठीक है। blockchain.info पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बिटकॉइन का एक वॉलेट बना सकते हैं। उसके ऊपर जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वॉलेट पे क्रिएट करना है आपको, वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है आपको, अगर आपको बिटकॉइन का वॉलेट क्रिएट करना है तो, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन का वॉलेट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। साइन अप पे क्लिक कीजिए, उसके बाद लॉग इन तब करेंगे जब आपका अकाउंट बन चुका होगा। तो राइट साइड पे आप ऑप्शन देख सकते हैं साइन अप, तो मैं इसके ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको, क्रिएट योर वॉलेट। ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन का वॉलेट क्रिएट करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड मिनिमम 8 से 10 डिजिट का होना चाहिए, और जो नया पासवर्ड है उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए ताकि आप उसको भूले ना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। तो 8 से 10 डिजिट का सबसे पहले आपको इसमें पासवर्ड टाइप कीजिए आप, और उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं आप, इस पर वर्ड आ गया स्ट्रॉन्ग। तो उसके बाद सेम पासवर्ड को आपको नीचे टाइप करना है, कन्फर्म पासवर्ड पर अगेन सेम पासवर्ड आपको टाइप करना है नीचे वाले बॉक्स में, ठीक है। तो जो सेम पासवर्ड है उसको लिखने के बाद उसके नीचे अभी ये बॉक्स आप देख रहे हैं, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आपको पासवर्ड 2 बार यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा बिटकॉइन का, ठीक है। इस तरह से वेलकम का एक मैसेज आएगा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं, और इसको अभी क्लोज कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये आपका होम पेज है बिटकॉइन का, जो ब्लॉकचेन का वॉलेट है। और इसके बाद तुरंत आपको 5 मिनट के जो टाइम गैप है आपको एक ईमेल आएगा ब्लॉकचेन की तरफ से, वेरिफिकेशन ईमेल। तो उस ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, अभी वो लिंक नहीं आया है, ठीक है। तो यह एक ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है आपका क्रिएट हो चुका है। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं 0 BTC 0 ETH। और इस वॉलेट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन ने अभी पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर ईथेरियम को ब्लॉकचेन के अंदर रख लिया है, यानी कि ईथेरियम की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ब्लॉकचेन की जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी बेस है, ठीक है। तो यहाँ से आप ईथेरियम बाई और सेल भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन के अलावा, और इसका जो करंट रेट है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे बिटकॉइन कैसे सेंड करना है, कैसे रिसीव करना है, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में आप सिर्फ ये देखिए कि आपको लॉगिन कैसे करना है, आईडी कैसे बनानी है। तो सिक्योर लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं सेटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं वॉलेट आईडी, यह वॉलेट आईडी आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। जब आप अपना वॉलेट जो है लॉगिन करेंगे तो वॉलेट आईडी आपको टाइप करना है वहाँ पे, और पासवर्ड जो अभी नोट किया है वो वहाँ पे लिखना है लॉगिन करने के लिए। तो ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं वॉलेट रिकवरी फ्रेजेस, इनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वॉलेट क्रिएट करना है, वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है वो पता करना है कि आपका ब्लॉकचेन का एड्रेस कौन सा है। तो ऊपर आप देख रहे हैं सेंड और रिक्वेस्ट के 2 ऑप्शन है, बी यूर ओवन बैंक। तो आपको जो है रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेरिफिकेशन है कुछ, अगर आप नेक्स्ट सेटिंग पे प्रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो ये जो वेरिफिकेशन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे एड्रेस की, तो रिक्वेस्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, यह बिटकॉइन का एड्रेस है। इस एड्रेस को आप किसी को भी दे सकते हैं बिटकॉइन रिसीव करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सेंड और रिक्वेस्ट, राइट साइड वाला जो रिक्वेस्ट का बटन है उसके ऊपर, ठीक है। और जितने भी इसके सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वेरिफिकेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके स्टोर हो जाएंगे सेंड और रिक्वेस्ट के, आप जहाँ भी सेंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और